नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में जाति के आधार पर गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मोहर लग चुकी है, जिसके बाद आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मंत्री शामिल होंगे और साथ ही इस बात पर सहमति बनेगी कि आखिर इस गणना को किस तरह से करना है, इसकी रूपरेखा को कैसे तैयार की जाए ताकि कोई भी पहलू ना छूट जाए, और खास करके फंड किस तरह से लाए जाएं ताकि इस गणना को करवाया जाए। ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने जाति के आधार पर गणना को लेकर अपनी सहमति दी, जिसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बिहार में जाति आधारित जनगणना का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। बीते दिन इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो कि शाम 5 बजे शुरू होगी। इसमें जाति आधारित जनगणना को लेकर मंत्रियों के बीच सहमति बनाई जाएगी। सहमति प्राप्त होने के बाद ही इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की जाएगी, जिसमें ये तय हो जाएगा कि ये काम कैसे करना है और कब इसे शुरू करना है। विदित हो कि बुधवार को बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न सभी दलों की बैठक में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की जनगणना का फैसला लिया गया है। यह भी पता चलेगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। ऐसे में बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना बहुत ही कम समय सीमा निर्धारित कर पूरी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही कैबिनेट इस पर फैसला लेगा, तब समय सीमा तय किए जाएंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक आज बुलाई है, जिसमें जाति आधारित गणना को लेकर सर्वदलीय बैठक के फैसलों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगाई जाएगी। इस बीच अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार देश में जाति आधारित गणना कराने के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये फैसला लिया गया, जिसके बाद आज कैबिनेट में इसकी चर्चा की जाएगी, सभी मंत्रियों के साथ सहमति बनाई जाएगी और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। खास करके इस वक्त कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें गणना तो करवानी चाहिए, लेकिन उसको लेकर जो खर्च है वो हमें केंद्र सरकार से मांगनी होगी, तभी जाकर हम ये काम करवा सकते हैं। ऐसे में इन तमाम मुद्दे को लेकर जो आज चर्चा है वो इस कैबिनेट की बैठक में की जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें बैठक से निकलकर सामने आती है या क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।